बज चुके हैं 6, तो आज जाना है वृंदावन अपन को। निकलेंगे वृंदावन को, लेकिन रात को हो गई थी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब, तो जितने बजे जाना था उतने बजे जा नहीं पाए। सुबह जल्दी निकलना था, लेकिन अब पहले ब्रश करूँगा, फिर नाश्ता करूँगा, फिर निकलूँगा वृंदावन के लिए। कर लिया है मैंने, अब जा रहा हूँ मैं नाश्ता करने, और फिर नाश्ता करके सीधा निकल जाऊंगा वृंदावन के लिए। तो चलते हैं, नाश्ता करते हैं और फिर निकलते हैं सीधे वृंदावन के लिए। खाने ब्रेकफास्ट तो कर लिया है, खाना खाने चलते हैं और फिर निकलेंगे बिहारी जी के पास। और ये देखिए जहां हम रुके हुए हैं, स्टे किया है जहां हमने, ये है कॉमन हॉल जहां स्टे किया हुआ है हमने। तो अभी यहाँ से सामान उठा के अब निकलते हैं अपन बिहारी जी के पास। पहले खाना खाएंगे, फिर उसके बाद मिलेंगे आप लोगों से वृंदावन। तो गोवर्धन से चेकआउट करने का टाइम अपना हो चुका है, तो यहाँ से करते हैं अपन चेकआउट और निकलते हैं सीधे गोवर्धन। और इस रूम में चल रहे हैं पत्ते, बेहतरीन रूप से खिल रहे हैं यहाँ पे पत्ते। और अपन को ज्ञापन करते हैं धर्मशाला से चेकआउट और निकलते हैं यहाँ से, पकड़ेंगे वृंदावन के लिए ट्रेन और पहुँचते हैं वृंदावन। तो धर्मशाला से बाहर निकलते ही ये छोले भटूरे का स्टॉल लगा था, तो भूख ज़्यादा लग रही थी, तो तुरंत ही आके पहले मैंने छोले भटूरे खाए। मैंने कहा पहले ये खा लेता हूँ, फिर उसके बाद और कुछ काम करूँगा, लेकिन ये खा के भी मेरी भूख नहीं मिटेगी, मुझे पता है, तो इसके बाद भी और कुछ खाएंगे। तो मिलता हूँ आप लोगों से छोले भटूरे खा के। तो अब आ गए हम पराठे खाने, क्योंकि छोले भटूरे से अपनी भूख नहीं मिटी, खाते हैं पराठे। और बस मिल नहीं रही है वृंदावन के लिए, तो अपन ऑटो से चलते हैं, तो ऑटो ढूंढते हैं और चलते हैं अपन वृंदावन और करेंगे वहां बिहारी जी के दर्शन। मिल चुकी है हमारे लिए वृंदावन तक की सवारी, तो बस तो नहीं मिली लेकिन ऑटो मिल गया है, मान गया है, ये शेयरिंग ऑटो है। तो चलते हैं वृंदावन, वहाँ चल के करेंगे बिहारी जी के दर्शन। मिलता हूँ आप लोगों से सीधा वृंदावन में। वृंदावन और टैक्सी वाले ने बाकी बिहारी जी से थोड़ी दूर छोड़ा है, तो दूसरा ई रिक्शा लेके अपन को जाना पड़ेगा थोड़ी दूर तक। तो अभी देखते हैं ई रिक्शा कौन जा रहा है बाकी बिहारी, तो रिक्शा ही ढूंढ रहे हैं। चलिए तो आ चुका हूँ मैं बिहारी जी के करीब बिल्कुल ही, एकता वाले ने थोड़ा सा दूर छोड़ा है, यहाँ से पैदल चलना पड़ता है वहाँ तक पहुँचने के, बिहारी जी के पास पहुँचने के लिए। तो चलते हैं और करते हैं दर्शन बिहारी जी के। यहाँ दर्शन हो पाएंगे इस साल या नहीं हो पाएंगे, क्योंकि पिछली बार नहीं हो पाए थे जब आया था मैं जनवरी में, तो तभी याद आया कि टैक्सी में अपन बैग छोड़ आए हैं, तो जल्दी जल्दी भागे और बिहारी जी की कृपा से मिल गए हैं बैग। लेकिन अब चलते हैं दर्शन करने। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। जैसे जैसे बिहारी जी के पास जाते जा रहे हैं वैसे ही भीड़ बढ़ती जा रही है, क्योंकि गलियां सक्रिय होती जा रही हैं धीरे धीरे। तो चलते हैं अपन भी धीरे धीरे धक्के खाते हुए। जैसे ही आगे बढ़े तो एक दुकान मिली जहाँ से अपन ने प्रसाद लिया बिहारी जी के लिए और अपने बैग भी यहाँ पे रख दिए। तो लौट के आके यहाँ से बैग लेके और इनको पैसे देके अपन निकल जाएंगे सीधे निधिवन के लिए।
तो ये भैया देख रहे हो जो आप, ये निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं श्रद्धालुओं की, उनको यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है जब बहुत सारी भीड़ यहाँ पे अटक जाती है। तो पहुँच चुके हैं अभी हम लोग मंदिर प्रांगण में और चलते हैं इसी भीड़ के साथ अंदर दर्शन करने, और अंदर तो और भी भीड़ होगी, तो चलिए। तो आप देख सकते हैं कितनी भीड़ हो रही है, आगे जाके दर्शन करने का तो चांस ही नहीं है, और यही खड़े होने में दिक्कत आ रही है। फिर भी अपन कोशिश करेंगे कि और करीब जाके बिहारी जी के दर्शन हो पाएं, तो चलिए आप भी मेरी कोशिश में शामिल होइए और आगे चलते हैं अपन बिहारी जी के दर्शन करने। तो हो चुके हैं भाइयों हमारे दर्शन, और अब चलते हैं उस दुकान पे जहाँ पे बैग रखा है, उनको पैसे भी देने हैं और अपने बैग उठा के हो चुके हैं अपने दर्शन पूरे। तो अब ये पता नहीं चल रहा है बैग कहाँ पे रखी है इस साइड दुकान में, तो चलते हैं उन्हें ढूंढने। इन भाइयों की भी मजा है, ये कहते हैं ना जिम करें ना किसी से डरें, जब मन करे किसी को भी लपेट दें। तो राम राम भाइयों, आज का ब्लॉग अपन यहीं ख़त्म करते हैं। अगला ब्लॉग होगा अपना निधिवन का और रंगनाथ मंदिर का, तो वो भी बहुत खूबसूरत ब्लॉग है, तो आप मेरे साथ बने रहिए और ऐसे ही सपोर्ट करिए, क्योंकि सपोर्ट की तो ज़रूरत पड़ती है यार, इतनी मेहनत हो जाती है। तो मिलता हूँ नए ब्लॉग के साथ।